वैसे इस फिल्म को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और नए बना रही है, लेकिन देशभक्ति की भावना से भरी हुई ये। दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान देखने कंगना रनौत भी पहुंची। आखिरकार फिल्म देखने के बाद उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं, जवान का तूफान सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हावी रहा और लोगों की भीड़ लगातार फिल्म को देखने आ रही है। दोस्तों, जवान में शाहरुख खान के विक्रम राठौर वाले रोल को लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है। विक्रम जब भी स्क्रीन पे आता है तब फैंस तालियां और सीटियां बजाने लगते हैं और ये फिल्म कलेक्शन के मामले में भी सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आ रही है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे 642.51 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और ये फिल्म मात्र कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ कलेक्शन दुनिया भर से करने वाली है। दोस्तों, फिल्म की कहानी में एक्शन, इमोशन, रोमांस आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। वहीं फिल्म के लास्ट में शाहरुख खान जनता के अधिकारों के लिए उन्हें जागरूक करते हैं कि आप दुकान पे कुछ भी खरीदने जाते हैं तो उसके लिए कितना मोल भाव करते हैं, लेकिन 5 साल चलने वाली सरकार से आप कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, ये डायलॉग लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं फिल्म में किसानों की मजबूरी में की जाने वाली आत्महत्या को भी दिखाया गया है और कैसे सिस्टम उसे टॉर्चर करता है, ये सब आपको फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म ने कलेक्शन के मामले में KGF 2 और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और जब कंगना रनौत ने इस फिल्म को देखा तो फिल्म की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत ही अच्छी है, फिल्म में सिस्टम की नाकामियों को दिखाया गया है, ये फिल्म सभी लोगों को देखनी चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक ये फिल्म देखी कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की जवान फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग थिएटरों के बाहर जवान फिल्म देखकर नाच रहे हैं। आपको बता दूं कि हिंदी भाषा में फिल्म ने इतिहास रच दिया है। इस वीडियो में हम फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में 74.50 करोड़ रुपए किया और इंडिया ग्रास कलेक्शन फिल्म ने 90 करोड़ रुपए का किया और ओवरसीज से फिल्म ने 39.60 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने अपने पहले दिन 129.60 करोड़ रुपए कमाई की। वहीं फिल्म के दूसरे दिन की नेट कमाई 53.23 करोड़ रुपए की हुई और इंडिया ग्रास कलेक्शन से फिल्म ने 64 करोड़ रुपए कमाए और ओवरसीज कलेक्शन से फिल्म ने 45.40 करोड़ रुपए कमाए। वहीं फिल्म ने दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड 109.35 करोड़ रुपए कमाई की। बात करें फिल्म के तीसरे दिन की कमाई की तो जवान ने तीसरे दिन इंडिया से 76.60 करोड़ रुपए कमाए और इंडिया ग्रास कलेक्शन से फिल्म ने 93 करोड़ रुपए कमाए और ओवरसीज से फिल्म ने 46.85 करोड़ रुपए कमाई की और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 139.83 लाख रुपए की कमाई की। जवान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में सुनामी ला दी है। वहीं फिल्म ने चौथे दिन रविवार को हिंदी भाषा में 80 करोड़ रुपए की कमाई की और तमिल भाषा में फिल्म ने 6.10 करोड़ रुपए कमाए और तेलुगु भाषा में फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 91.35 करोड़ रुपए का हो गया और इंडिया ग्रास कलेक्शन 106 करोड़ का हुआ और ओवरसीज से फिल्म ने 51.17 करोड़ रुपए कमाई की और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 57.17 करोड़ रुपए कमाए। अगर यही शाहरुख खान के किसी और स्टार की फिल्म होती तो ओवरसीज मार्केट में इसकी कलेक्शन अभी तक गिर गई रहती, लेकिन आपको तो पता है कि शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इंडिया से बाहर कितनी ज्यादा है, तो फिल्म की कमाई ओवरसीज में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। वहीं ये फिल्म सोमवार यानी आज हिंदी भाषा में 36 करोड़ रुपए कमाई करने वाली है और फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 42 करोड़ रुपए रहने वाला है और ओवरसीज से यह फिल्म 43.63 करोड़ रुपए कमाई कर रही है और यह फिल्म अपने 5वें दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली है। फिल्म ने मंगलवार को 29 करोड़ रुपए हिंदी भाषा में कमाए और तमिल और तेलुगु भाषा में फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन 31.28 करोड़ रुपए हो गया और फिल्म ने ग्रास कलेक्शन से 39 करोड़ रुपए कमाए और ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने 16 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ मंगलवार को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 55 करोड़ रुपए का हुआ। बात करें टोटल कलेक्शन की तो फिल्म ने इंडिया नेट कलेक्शन 422.08 करोड़ रुपए किया और ओवरसीज से फिल्म ने 208 करोड़ रुपए की कमाई की और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 630.08 करोड़ रुपए हो गया है। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है। जल्द ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। आपने अभी तक जवान फिल्म देखी कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप भी शाहरुख खान के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।